सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सब? आई होप सो कि सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ फिर से खान मोटर्स पे, जो कि है बानपुर कोयलापुर पानी टेंगे के पास। तो प्रॉपर लोकेशन में भैया से भी एक बार बोलूंगा, आप लोग को समझा देंगे अच्छा से। सो फ्रेंड्स, यहाँ का ब्लॉग मैंने पहले भी एक बार बना के गया हुआ है, जो कि आप लोग को पता है। आप लोग अगर नहीं देखे वो वीडियो प्ले जाकर देख लो। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे अभी जितनी बाइक है इसमें से कुछ कुछ बाइक मैंने उसमें कवर किया हुआ है, तो जिसमें से मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लड़के का डीएम आ रहा था और काफी कमेंट्स भी आ रही थी कि ये बाइक निकल गई क्या, ये बाइक है। तो मेरे को पता नहीं था कि कौन सी बाइक निकली है, कौन सी बाइक है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। तो इसलिए मैंने आज फिर से सोचा कि कुछ न्यू बाइक जो आई है उसको तो मैं कवर कर लूँगा। इसके साथ साथ जो पुरानी वाली कुछ बाइक थी जिसको मैंने कवर किया हुआ था, तो फिर से मैं उसको एक बार कवर कर लूँगा। और आज की जो डील रहने वाली है तो 8000 से स्टार्टिंग प्राइस होगी, जो कि काफ़ी मतलब अच्छी बात है। 8000 से स्टार्टिंग प्राइस होगी और पहले जो बुलेट का जो प्राइस बताया गया था उससे आज का जो प्राइस होगा वो कम से कम 2 या 5 रुपये कम ही होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलते हैं भैया के पास और करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। आ चुका हूँ खान मोटर्स के भैया के पास। तो चलिए मिलते भैया से और पूछते कैसे क्या डील रहने वाली है। इधर आ जाइए भैया। तो ये भैया, भैया आप कैसे हैं? बढ़िया है, बहुत नया नया कलेक्शन आया हुआ है, आगे बार से भी बढ़िया। आज मतलब हम लोग कैसा डील देने वाले, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग प्राइस होगा? आज कम से बोलिए, कम से वही मोटा मोटी आपका 8000 तक आएगा। 8000 से स्टार्ट होगा। बहुत अच्छी बात है, 8000 से स्टार्टिंग प्राइस आएगा। तो आप लोग देख सकते हो, तो मैं आप लोग को सिनेमेटिक में अभी आप लोग देख ही लिए होंगे बाइक कैसा कैसा है, और मैं आप लोग को एक एक करके डील दिखाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले कहाँ शुरू करें हम लोग? पल्सर से। पल्सर 150 से। हाँ, पल्सर 150। पल्सर 2010 का गाड़ी है, 24000 किलोमीटर चला हुआ है, 13500 में आ जाएगा। पल्सर 2010 की गाड़ी है, 24000 किलोमीटर चला, आप लोग देख सकते हो गाड़ी की कंडीशन, डिजिटल मीटर है, और कितना में आ जाएगा? 13500 में आ जाएगा। मतलब काफ़ी कम में, जैसा साल के हिसाब से गाड़ी काफ़ी कम प्राइस में आ रही है। इसके बाद फिर से पल्सर 2011 का पल्सर है, 150, ये भी ना 150 cc 150 है, ये भी गाड़ी बढ़िया है, ये आपका मोटा मोटी 23000 में आ जाएगा। तो गाड़ी की कंडीशन आप लोग देख ही सकते हो, 150 cc गाड़ी रहने वाली पल्सर 150, ये आ जाएगा कितना? 23000 में। सबसे प्लस पॉइंट हमारा यहाँ क्या है, कोई भी गाड़ी लीजिए, कोई भी असुविधा होता आपको, यदि आप गाड़ी लेके सर्टिफाइड नहीं है, आप ला के दे सकते हैं, पैसा ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा गाड़ी भी ले सकते हैं एक्सचेंज करके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो लेकिन एक बात और, ये नहीं कि इसका मतलब बहुत दिन गाड़ी को रख देंगे, ऐसा नहीं। आप लोग एक दो दिन तीन दिन का लगभग में रख सकते हैं, अब ये नहीं कि 10 दिन 5 दिन ऐसे के बाद नहीं होगा। ये आप लोग को जरूरी चीज मैं बता देता हूँ, आप यहाँ से गाड़ी लेके जाते हो, एक दो दिन में गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग इसी का दूसरा गाड़ी लेके जा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग 1 महीना 2 महीना बाद आओ। तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं है, कोई भी गैरेज पे इतना तो मतलब शोरूम पे बोलता भी नहीं है, जो कि आप लोगों का वर्कशॉप है, कोई भी प्रॉब्लम है वो करके देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इनका खुद का वर्कशॉप है, अगला वीडियो में आप लोगों को मैं बता ही दिया था। सो इसके बाद कौन सा? 2013 का पल्सर है, 150 ब्लैक ब्लू है। 13 गाड़ी हर पेपर अप टू डेट, इंश्योरेंस से लेकर पॉल्यूशन तक चालू है, कैश का गाड़ी है, फर्स्ट पार्टी गाड़ी है, ये आपका आ जाएगा 28000 में। 28000 में कितना सर? कंडीशन देख सकते, हाँ टायर भी काफी अच्छी कंडीशन आप देख सकते हो, उसका टायर लगा हुआ, पीछे भी ट्यूबलेस टायर लगा हुआ। 2013 की गाड़ी है, और कितने आस्किंग प्राइस होगी इसकी? 28000 में 2013 की पल्सर आ रही है 150, आप लोग देख सकते हो, ये भी कंडीशन काफी अच्छी रहने वाली है आप लोग के लिए। इसके बाद फिर से पल्सर है 150, 2011 गाड़ी है, गाड़ी देख से कितना अच्छा कंडीशन में है, सेकेंड ओनर गाड़ी है, इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब अप टू डेट है, कुछ नहीं करना, लेके सिर्फ चलाना है, एक पैसा खर्चा नहीं है कहीं से भी, आप एक्सपीरियंस दिखा दीजिए गाड़ी में, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी गाड़ी हम लोग कौन से साल का बोले? 2011 की गाड़ी है, पल्सर 150 है ना, 150 आप लोग देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में रहने वाली। इसके बाद जो गाड़ी हम लोग आते हैं, काफ़ी डिमांडिंग गाड़ी है, जो हर कॉलेज बॉय के लिए, फिर स्पोर्ट्स, मतलब जिसके स्पोर्ट्स को शौक है, स्पोर्ट्स की बाइक की शौक है, उसके लिए काफ़ी डिमांडिंग बाइक है, R15 Version 3। ये आपका 2019 का गाड़ी है, 5 साल इंश्योरेंस है, आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत, कहीं पे एक स्क्रैच भी नहीं है, बहुत अच्छा ही गाड़ी है,
फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये, आपका मोटा मोटी 95,000 में आ जाएगा। 95 कितना किलोमीटर चला होगा ये गाड़ी? 23,000 किलोमीटर चला, मात्र 23,000 किलोमीटर गाड़ी चला हुआ। आसनसोल AQ नंबर रहने वाले लोग देख सकते हो 2019 की गाड़ी को। तो मैं इसको अच्छे से आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो R15 V3। इसका टायर की कंडीशन आप लोग देख लो अच्छे से, टायर की ग्रिप अच्छे से पता चल रही है। और पीछे से लोग देख लो गाड़ी की, काफ़ी क्लियर लुक आ रही है, एकदम बिल्कुल नया गाड़ी है, कहीं से स्क्रैच नहीं, स्क्रैचलेस गाड़ी है। और गाड़ी ज़्यादा चली हुई भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी गाड़ी हम लोग यहाँ पे मिलने वाली, जो कि है V3। आप लेने आते हैं वीडियो देखकर, यदि कोसविदा होता है जो रेट बोला हुआ वो रेट में 19-20 हो जाएगा आने के बाद, यहाँ पे नेगोशिएबल हो जाएगा, नेगोशिएबल हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद। कुछ आप लोग आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कौन सा बुलेट नेक्स्ट वीडियो में, आपका 1,05,000 दिया था, ये आपका 1,00,000 में आ जाएगा। 1,00,000 तक आ जाएगा। हाँ। कितना किलोमीटर चला हुआ था? चला हुआ 10,000 किलोमीटर चला, 16 गाड़ी एलो व्हील है, ट्यूबलेस टायर है, प्रोजेक्टर लाइट है, पूरा गाड़ी सजा हुआ है, एकदम अच्छा कंडीशन में गाड़ी है। इसकी एलो व्हील आप लोग देख सकते हो कस्टमाइज किया हुआ, जो कि कंपनी फिटेड ऐसा नहीं आती इसकी, इसी के दाम कम से कम नहीं भी तो 5,000-6,000 के आसपास रहती है, 8,000 के लगभग रहती है, कस्टमाइज किया हुआ इसका है। तो अगला वीडियो में आप लोग को मैं दिखा दिया था, फिर भी इस वीडियो में बता रहा हूँ इसका कितना प्राइस बोले। अगला वीडियो में 1,05,000 प्राइस था, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ 1,00,000 तक ये आ जाएगी। तो आराम से आप लोग इसको लेके जा सकते हो, काफी मिंट कंडीशन में गाड़ी ये भी रहने वाली है, जो कि बुलेट क्लासिक 350। ये आपका 2015 गाड़ी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 25,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये आपका 95,000 था, आगे नेक्स्ट वीडियो में ये 93 में आ जाएगा। 95,000 था इस वीडियो में, सारी गाड़ी का जो प्राइस है वो 1,000 या 2,000 रुपया कम ही आ रहा, जो कि काफ़ी सही बात है। आप लोग देख सकते हो 93,000 में काफ़ी अच्छी हम लोग को पहला बात तो बुलेट अगर सेकंड हैंड लेने जाओ तो 1,00,000 से नीचे मिलता ही नहीं है। नहीं, सेकंड हैंड ही बोल रहे हैं, सेकंड हैंड भी 1,00,000 से नीचे जल्दी मिलता नहीं, कोई भी शोरूम पर आप लोग जाओगे तो कंडीशन देख सकते हो, कंडीशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है। पीछे से कंडीशन आप लोग देख लो गाड़ी की, जो कि ये भी आसनसोल नंबर आने वाली है AF, देख सकते हो। तो इसके बाद भैया कौन सा गाड़ी हम लोग का? सबसे हम लोग का महंगा गाड़ी यही है। सबसे महंगा गाड़ी। जो आपका जो बिजनेसमैन वाले हैं, दूध दूध वाला कुछ चीज का जो राशन वाशन के लिए आपका कुछ कर सकते हैं, ये 8,000 में आ जाएगा, बहुत अच्छा कंडीशन में, बहुत अच्छा कंडीशन गाड़ी है। बेंगोली का था ना, बेंगोली की गाड़ी तो अच्छा, बेंगोली का बाड़ी और गाड़ी अच्छा ही रहता है। हाँ, टायर भी आप लोग देख सकते हो अच्छा कंडीशन में गाड़ी है, बहुत मतलब बहुत किसी के सब गाड़ी का डिमांड रहता है, लेकिन जल्दी मिलता नहीं है सब गाड़ी, मिलता नहीं जल्दी ये सब गाड़ी। तो देख सकते हो बहुत किसी का डिमांडिंग रहता है ये सब बाइक का, जो कि अभी के डेट पे देखा जाए तो जल्दी सेकंड हैंड मिलना मुश्किल है। और आप लोग गाड़ी कंडीशन देख ही सकते हो, गाड़ी पुरानी है बट कंडीशन बहुत सही है गाड़ी की। आप लोग इसको आके ले, कितना प्राइस बोले इसके? 8,000 में गाड़ी आपको छोड़ देंगे भैया। पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, खाली इसका पेपर भी सारा ओके, खाली फिटनेस पहले, उसके लिए कोई दिक्कत। हाँ, आप लोग देख सकते हो इसका पेपर भी अभी तक सारा ओके, जो सबसे बड़ी बात है। इसके बाद कौन सा आता है भैया? ये आपका डिमांडेड गाड़ी है, सुजुकी मैक्स 100 है, जो मॉडिफाइड होता है ये गाड़ी में, अधिकतर बहुत गाड़ी कंडीशन में है, फिटनेस वनेस किया हुआ है, इंश्योरेंस चालू है, बहुत सॉलिड कंडीशन में गाड़ी है, आप देख सकते हैं। ये आपका 20,000 में आ जाएगा, 20,000 में आ जाएगा। इसके बाद कौन सा हंक है? ना हंक है, 2009 का हंक है ये, नहीं हुआ यार 2009 का हंक है ये आपका 14,000 में आ जाएगा। टायर इसका भी बहुत सही है, आप लोग देख सकते हो 2000 कितना की? 2009 का गाड़ी है, 14,000 में ही आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो गाड़ी को बहुत सही है। इसके बाद आते हैं अपाची अल्टर 160 है क्या? हाँ, अपाची 180 है, डबल डी से दोनों टायर नए हैं, ये आपका 29,000 में आ जाएगा। अपाची 180 है, 29,000 में आ जाएगा। कितने साल की गाड़ी है भैया ये? 2011 का लास्ट गाड़ी, 2011 का लास्ट गाड़ी, नवंबर या दिसंबर का, आप लोग आराम से देख सकते हो गाड़ी, इसको भी लेके जा सकते हो। इसके बाद आते हैं फिर से पल्सर 150 है, 2012 गाड़ी है, गाड़ी चला हुआ 24,000 किलोमीटर है, ये आपका आ जाएगा 23,500 में। 24,000 किलोमीटर चला हुआ 23,500 में आ जाएगा, जो कि काफ़ी मतलब बहुत कम ही प्राइस हम लोग बोल सकते हैं, 23,000 में आजकल तो कुछ भी नहीं आता। आप लोग देख सकते हो कंडीशन इसका भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद आते हैं होंडा साइन है, 2015 गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, ये आपका 35,000 में आ जाएगा। 2000 कितना गाड़ी है? 15 का, 2015 गाड़ी है, 35,000 में आ जाएगा। इसके बाद फिर से हीरो होंडा का डिलक्स है, विदाउट सेल्फ वाला है, गाड़ी बहुत अच्छा है, एवरेज वाला गाड़ी है, ये आपका 28,000 में आ जाएगा। 28,000 में आ जाएगा, विदाउट सेल्फ है, हीरो होंडा का, क्योंकि जो हीरो का आया वो डिलक्स वो सेल्फ आती है, इसमें सेल्फ नहीं आती थी। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में रहने वाली है। इसके बाद आते हैं सुपर सेल्फ स्टार्ट 2009 का गाड़ी है, ये आपका 27,000 में आ जाएगा। 2009 की गाड़ी है, सुपर स्प्लेंडर सेल्फ स्टार्ट वाली गाड़ी है, आप लोग देख सकते हो, सेल्फ कंपनी फिटेड थी। हाँ, कंपनी फिटेड सेल्फ थी, आप लोग देख सकते हो ये भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, एलो व्हील के साथ में आती है, वो भी काफ़ी बड़ी बात है। और कितना आस्किंग प्राइस कितना बोले?
27,000 में आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात आप लोग देख सकते हो। ये भी गाड़ी काफ़ी कंडीशन में अच्छा रहने वाली है। इसके बाद आते हैं हीरो होंडा का स्प्रिंटर प्लस है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ 2026 तक, इंश्योरेंस चालू है, 23,000 में आ जाएगा। 23,000 में आ जाएगा 2006 की गाड़ी है, जो कि हीरो होंडा की है। स्प्लेंडर प्लस आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी कंडीशन में भी रहने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर आपको सारी गाड़ी अच्छी कंडीशन में मिलने वाली है। अगर गाड़ी में इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होता तो भैया उसको सॉल्व करके दे देंगे, उसके लिए कोई इश्यूज नहीं रहेगा आप लोग के। नेक्स्ट में ग्लैमर 2010 की गाड़ी है, ये आपको देख सकते हैं टायर का कंडीशन, गाड़ी बहुत बढ़िया है, जो जो काम था सारा कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 25,000 में आ जाएगा, 25,000 में आ जाएगा, जो जो काम था वो कर दिया। इसके बाद भी अगर कस्टमर को कुछ कमी लगता तो वो आप करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। इसके बाद फिर से क्या हीरो का ग्लैमर है, 2011 गाड़ी है, ये 24,000 में आ जाएगा। 2011 की गाड़ी है, ग्लैमर हीरो होंडा की है। नंबर प्लेट पंचिंग क्या हुआ तो आप लोग देख सकते हो, नंबर प्लेट पंचिंग क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। 2000 कितना का बोले, 24,000 में आ जाएगा, 24,000 में आराम से आप लोग ये आ जाएगा। इसमें भी कुछ नेगोशिएबल हो जाएगा, कुछ नेगोशिएबल आने के बाद हो जाएगा, ऑन द वील भैया बैठ के कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इसके बाद हम लोग कौन सा भैया स्कूटी है ना, ग्राजिया है होंडा का, 2018 का लास्ट का गाड़ी है, येलो व्हील गाड़ी है, ये आपका 44,500 में आ जाएगा। गाड़ी चला हुआ है आपका 22,000 किलोमीटर, तो मात्र 22,000 किलोमीटर चला, आप लोग गाड़ी को देख सकते हो, जो कि 2000 कितना का मॉडल बोले, 2018 के लास्ट का गाड़ी है, मतलब 18 के लास्ट का कुछ भी नहीं है और ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं चला। आप लोग देख सकते हो गाड़ी काफ़ी अच्छी मिंट कंडीशन में ही भी रहने वाली है। सो आप लोग यहाँ पे आके विजिट करके ये गाड़ी बिल्कुल देख सकते हो। और इसकी आस्किंग प्राइस क्या बोले, 45,000, तो उसमें भी कुछ नेगोशिएबल हो जाएगा। इसके बाद फिर से कौन सा स्कूटी है, प्लेजर है, 2016 का गाड़ी है, न्यू मॉडल, ये आपका 32,000 में आ जाएगा। 2016 की मॉडल है, 32,000 में आ जाएगा, फर्स्ट ओनर गाड़ी, जो कि सबसे बड़ी बात है। आप लोग इसको देख सकते हो, पीछे से मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूँ, देख लो, ये भी काफ़ी अच्छी मिंट कंडीशन में गाड़ी रहने वाली है। इसके बाद फिर से आते स्कूटी पे, 2013 का एक्टिवा है, ये आपका 30,000 में आ जाएगा। 2013 की एक्टिवा 30,000 में आ जाएगा, किलोमीटर चला हुआ, मात्र 23,000 किलोमीटर चला हुआ, तो किलोमीटर ज़्यादा चला हुआ नहीं, फिर भी आस्किंग जो प्राइस रहने वाली है वो काफ़ी कम में आ रही है। आप लोग देख सकते हो टायर की कंडीशन भी आप लोग देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद फिर से स्कूटी 2014 का स्टिक है, ये आपका आ जाएगा 23,000 में। 2014 का स्टिक है, ये आ जाएगा 23,000 में, देख सकते हो, जो कि इसमें भी थोड़ा सा नेगोशिएबल थोड़ा बहुत हो जाएगा, जितना हो पाएगा भैया कर देंगे, उसके लिए कोई इशूज़ नहीं रहेगी। इसके बाद कौन सा, नेक्स्ट महिंद्रा का रेडियो है, 2011 गाड़ी है, 11 का लास्ट का 12 का गाड़ी है, ये आपका 14,500 में आ जाएगा। 2012 की गाड़ी है, 12 के लास्ट की गाड़ी है, 14,000 में आ जाएगा, मात्र 14,500, मतलब रुपया 14,500। सो फ्रेंड्स, मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा, ये 14,500 में गाड़ी आ रही है, मतलब 14,500 पे आप लोग देख सकते हो। ये भी कंडीशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जो कि इसके बाद आते फिर से हम लोग नेवी पे, इसके बाद आते हम लोग फिर से नेवी है, 2017 गाड़ी है, ये आपका कंडीशन देख सकते हैं, गाड़ी बहुत बढ़िया है, जिसका शॉर्ट हाइड है वो ले सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, स्कूटी का फील मज़ा भी ले लेगा, मोटरसाइकिल का भी मज़ा ले लेगा। ये आपका मोटा मोटी 25,000 में आ जाएगा। तो होंडा नेवी ये 25,000 में आ जाएगा, कितने साल की गाड़ी है भैया ये, 2017 गाड़ी, आने के बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसमें भी आने के बाद कुछ ना कुछ नेगोशिएबल हो जाएगा, जितना हो पाएंगे भैया ऑन द टेबल बैठ के कर देंगे आप लोग, इसके लिए कोई स्प्लेंडर मॉडल, हाँ वही तो, ये इसको इसी गाड़ी में बहुत कस्टमाइज़ किया आप लोग देख सकते हो, काफ़ी मतलब इसको मॉडिफाई किया आप लोग इसको, और इसका आगे का कुछ चेंज किया हुआ, टायर की कंडीशन लोग देख सकते हो, गाड़ी काफ़ी अच्छी है, मिंट कंडीशन में रहने वाली है। फिर से एक बार भैया लोकेशन आप लोग को समझा दो, भैया इसका लोकेशन क्या रहने वाली है, लोकेशन है कोयलापुर पानी टंकी, आपका बनपुर से 6 किलोमीटर के अंदर में, आपका सीएसएफ कैंप से 4 किलोमीटर के अंदर में पड़ेगा। तो इसके लोकेशन है बनपुर कोयलापुर पानी टंकी, नहीं आता है तो आप दामोदर स्टेशन में आके हमको कॉल करिए, हम रिसीव कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो ये रोड रहने वाली लोकेशन, ये पानी टंकी और बिल्कुल सामने ही पानी टंकी गैरेज है, ये वर्कशॉप इनका आप लोग देख सकते हो, खान मोटर्स की वर्कशॉप है, और बिल्कुल ये रोड है, आप लोग अच्छे से लोकेशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, ये पानी टंकी। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी डील थी मैंने भैया से मिल के सारा डील आप लोग को दिखा दिया। सो फ्रेंड्स, आज के सेकंड हैंड का डील अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर देना, और मिलते किसी ऐसे सेकंड हैंड डील के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।